गत शुक्रवार मध्यरात्रि को पुंछ जिले के मेंढर में शहादत पाने वाले 24 वर्षीय रोहन ठाकुर सुपुत्र रसील सिंह जिला हमीरपुर के गांव खास कलोड के परिजनों के घर नादौन विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू, बड़सर विधानसभा क्षेत्र के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की। वो परिवार को ढांढस बंधाया। उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। पीड़ित परिवार ने विधायक महोदय के सम्मुख इच्छा जाहिर की है कि शहीद बेटे के नाम पर शहीदी गेट या आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी खोली जाए। विधायक ने कहा कि इस बात को प्रदेशाध्यक्ष के सम्मुख रखकर हल करने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान सुमन भारती उप प्रधान गलोड खास, संजीव शर्मा पूर्व प्रधान, अनिल वर्मा प्रधान हड़ेटा, संजय शर्मा प्रधान गोइस, राजीव बिट्टू प्रधान, शकुंतला देवी प्रधान, कपिल कुमार गाहली पंचायत आदि मौजूद रहे। शहीद के परिजनों को ढांढस बंधाने के बाद ज्यों ही विधायक महोदय आंगन में पहुंचे तो लोगों ने अपनी समस्याएं बतानी शुरू कर दी। लोग यहां तक भूल गए कि विधायक महोदय समस्याएं सुनने नहीं बल्कि शहीद के परिजनों को ढांढस बंधाने आए हुए हैं। इस मसले पर गलोड खास पंचायत प्रधान भी पीछे नहीं रही और उन्होंने भी विधायक महोदय को अपनी पंचायत की समस्या दे दी। कुछ लोग दबे मुंह इसका विरोध करते नजर आए। तदोपरांत विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू गोइस पंचायत में पिछले महीने हुए हत्याकांड में मारे गए राजेश कुमार के घर उनकी बेटी पूनम कुमारी और बुजुर्ग माता से मिलकर उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया। बेटी पूनम का ढांढस बंधाते हुए कहा कि मैं आपके साथ हूं और आपको पूरा न्याय मिलेगा। जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होगी तो पूनम को नौकरी देने की हर संभव कोशिश की जाएगी। इस दौरान प्रधान राजीव कुमार, उप प्रधान बालक राम, पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया, चरण दास, अश्विनी कुमार आदि मौजूद रहे। एच टुडे के लिए गलोड से अशोक शर्मा की रिपोर्ट।